ये है क्रिएटर्स कार्निवल 2023। मैं गया था क्रिएटर्स कार्निवल 2023 देखने के लिए, तो मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग किया, तो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, ये है क्रिएटर्स कार्निवल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन और स्वागत है आप लोग का हमारे इस न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वैसे आप थंबनेल देख के तो जान ही सके होंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। मैंने ऑर्डर किया था रैपिडो, रैपिडो भी आ गया है। चलते हैं और दिखाते हैं आपको। हम रैपिडो से आए हुए हैं और यहाँ पेमेंट कर रहे हैं 53 रुपीज़, और यही है रैपिडो वाले भैया, थैंक यू सो मच यहाँ तक छोड़ देने के लिए। चुके हैं, देख सकते हैं पीछे कितना क्राउड है। तो ये कहाँ पे हम आए हुए हैं, आपको जितने भी यहाँ दिख रहे हैं सभी यूट्यूबर ही हैं। और यहाँ से देखिए इंडियाज़ बिगेस्ट क्रिएटर कार्निवल, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आए हुए हैं और बहुत सारे यूट्यूबर आएंगे भी अभी, और जिनसे हम लोग मिलने वाले हैं यहीं से एंट्री होने वाला है अंदर के लिए। तो 8 बजे एंट्री है, अभी 7:45 हो रहा है, तो बने रहिएगा ब्लॉग पे। देखिए अभी एंट्री हो गया है, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं और एक भैया मुझे मिले, उनके साथ में ही जा रहे हैं। चलिए कहाँ कहाँ से एंट्री कैसे सब कुछ दिखाएंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही एंट्री। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। ये भैया है और अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन वाली लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ से एंट्री वगैरह हुआ जैसे कि आपने वीडियो में देखा था। और यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एंट्री होगा, मतलब तो फाइनल एंट्री, तो बने रहिएगा ब्लॉग पे। यहाँ से आपको अपना नंबर बोलना है और वो लोग चेक करते हैं कि कौन सा टिकट आप लिए हैं, उसके बाद आपको यहाँ से देखिए टिकट मिलेगा जो कि हैंड में लगा दिया जाएगा, और एक कार्ड भी मिलेगा आपको। फाइनली हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, रजिस्ट्रेशन का ये जो कार्ड मुझे मिला है गोल्ड का, और एक बैंड मिला हुआ है। और पीछे जितने देख रहे हैं आप सारे यूट्यूबर ही आए हुए हैं, तो अभी हम लोग चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा लिए, अभी चलते हैं एंट्री करते हैं, फिर अंदर का सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और सिक्योरिटी यहाँ चेकिंग वगैरह किया जाएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी, और उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ से अब चेकिंग हो रहा है, सिक्योरिटी चेकिंग, और यहाँ पर देखिए चेकिंग चल रहा है, चेकिंग के बाद एंट्री होगा, तो बने रहिएगा वीडियोस पे। अब हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे और जाएंगे अंदर, और एक भैया मिलने जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो चलिए अंदर और आपको दिखाएंगे अंदर का व्यू। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुझे मनोज जैसे मिलने का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। सामने से उनको देखेंगे जो कि 5 या 7 सालों से मैं देख रहा हूँ उनको बस स्क्रीन पे, ठीक है, तो वो मेरे आइडियल है, तो उनसे मिलना बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा, तो बने रहिए वीडियो से। ये एंट्री हो रहा है और जाएंगे हम लोग अंदर। तो ये देखिए, और ये हमारे भैया। चलो तो गाइस, हमने एंट्री कर ली है, एंट्री है यहाँ से। साउंड के लिए खेद है क्योंकि साउंड नहीं आने वाला, बहुत ही ज्यादा और ये हैं जुन्नू की टेक वाले भैया जो कि अपने इंस्टाग्राम पे शायद लाइव वगैरह आए हुए थे, वहाँ सबको दिखा रहे थे, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे लैम्प लाइटनिंग के लिए सारे यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर स्टेज पे आते हैं। और ये ऑरेंज धोती कुर्ता वाले जो भी हैं, ये बहुत ही अच्छा स्पीच दिए, उनका स्पीच बहुत सुनने लायक था।
So very happy to be amongst all of you. आज हम क्रिएटर्स कार्निवल 2023 जो महात्मा की टेक्निकल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, अमरीश जी ने और की सारी टीम ने आप सबको इतना आपको मेरे चिल्लाने से समझ में आ ही गया होगा कि मैं इनका कितना बड़ा फैन हूँ। इनका नाम है मनोज देव। अब बात करते हैं इस इवेंट के बारे में। इसमें बहुत सारे यूट्यूबर आए हुए थे, लगभग 5000 क्रिएटर आए हुए थे। आपको जितने भी सब कोई दिख रहे हैं, ये सब के हाथ में फ़ोन है, मतलब ये सारे क्रिएटर ही हैं और ये सब अपने अपने फैंस को देखने के लिए आए हुए थे। और ये बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था, यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ था कि एक बार अपने इतने यूट्यूबर को एक बार। अब यहाँ पे आते हैं महात्मा जी टेक्निकल, जो कि इस पूरे इवेंट के फाउंडर हैं और इनका चैनल का भी नाम है महात्मा जी टेक्निकल वी मेक क्रिएटर्स। यहाँ देखिए बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर का फोटो लगा हुआ है। और मैं आपको एक बार स्टेडियम दिखाना चाहूँगा क्योंकि अभी मैं इवेंट को क्विट करने वाला हूँ। देखिए पूरा स्टेडियम कितना ही बड़ा है। और हमें जो वो गोल्ड कार्ड मिला था उससे बाहर खाना भी मिल रहा है, तो वही मैं खाना ले रहा था। यहाँ पे बहुत कुछ का ऑप्शन है, राजमा चावल वगैरह है, यहाँ पे छोले भटूरे हैं और भी कुछ ऑप्शन। तो फ्रेंड्स फाइनली हमें जो कूपन मिला था उस कूपन से खाना भी है, जो राजमा चावल या छोले भटूरे जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं, उसके साथ एक पानी भी है। तो हमने लिया है, आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर राजमा चावल और पानी मैंने ले लिया है और यहाँ पे जो मिल रहा है आपके आगे वीडियो में देखिएगा, आगे वहाँ पे अवेलेबल है।
तो चलिए राजमा चावल खाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगा हुआ है। तो मैं राजमा चावल को मिलाकर खाने लगता हूँ और काफ़ी टेस्टी था, इवेंट जैसा भी हो खाना टेस्टी था। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं खा लेता हूँ क्योंकि घर भी निकलना है। लोगों ने घूम लिया है ऑडिटोरियम, अब जाएंगे घर। और मुझे एक मतलब पर्सनली मुझे अपना एक ओपिनियन देना था कि ये इवेंट जो है ना कुछ खास नहीं कराया गया है। सिल्वर का तो खैर वो साइड में, गोल्ड और प्लेटिनम दोनों की सीट्स इक्वल है। इनका जो वो हॉल है वो इंडोर स्टेडियम है, मतलब इंडोर जितने भी गेम होते हैं वही हैं। ये एक्चुअली इवेंट के लिए ये हॉल बढ़िया नहीं था, तो मेरा ओपिनियन तो यही था। बाकी आपका जो ओपिनियन हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए क्योंकि ये इवेंट चलने वाला है शाम को 6 बजे तक और मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है बहुत जल्द। तो मैं निकल रहा हूँ घर क्योंकि हम लोग बाहर आ गए। देख सकते ये मेन गेट था और यहाँ पर इनका बैनर था जहाँ मैंने फ़ोटो क्लिक किया था। अब हम लोग निकलेंगे, मेरा रैपिडो वाले भी भैया आ गए हैं, चलते हैं घर। तो बस आज के लिए इतना ही रहा ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट।